नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ YouTube चैनल द नवलगढ़ स्टेशन पे। आज की हमारी ट्रेन जानकारी है जोधपुर से दिल्ली सरायरोला के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 22481 22481 जोधपुर दिल्ली सरायरोला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे करता है और इस ट्रेन का संचालन 11 नवंबर 2011 से शुरू हुआ है और यह सुपरफास्ट टाइप की हफ्ते के सातों दिन चलने वाली डेली ट्रेन है। अगर बात करें इसके ट्रेवल टाइम की तो जोधपुर से दिल्ली सरायरोला तक की टोटल डिस्टेंस 619 किलोमीटर को लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 10 घंटे और 20 मिनट में कवर करती है और इसकी परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वहीं बात करें अगर इस ट्रेन में लोकोमोटिव की तो जोधपुर से दिल्ली सरायरोला तक भगत की कोठी लोको शेड का WDP 4B या WDP 4D इनमें से कोई एक डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। और वहीं बात करें अगर इस ट्रेन में कोच की तो इस ट्रेन में नॉर्मल आशिया ब्रेक के कोच हैं जिनका जोधपुर से दिल्ली सरायरोला तक का किराया AC फर्स्ट क्लास का किराया 2,335 रुपये, AC सेकंड क्लास का किराया 1,390 रुपये, AC थर्ड क्लास का किराया 980 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया 370 रुपये और वहीं जनरल एंड रिजर्व कोच का किराया 193 रुपये है। दोस्तों, यह अपडेटेड किराया नहीं है, इसलिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से किराया कन्फर्म अवश्य कर लें। इस ट्रेन का कुल 18 स्टेशनों पर ठहराव है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस ट्रेन का जोधपुर से दिल्ली सरायरोला तक किन किन स्टेशनों पर ठहराव है और वहाँ इसका टाइम टेबल क्या है। ट्रेन नंबर 22481 22481 जोधपुर दिल्ली सरायरोला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते के सातों दिन जोधपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से शाम 7 बजे रवाना होती है और जोधपुर से रवाना होने के बाद यह ट्रेन पहुंचती है मेड़ता रोड जंक्शन रात 8:16 पे और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद रात 8:21 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है रेण 8:34 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 8:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है डेगाना जंक्शन 8:56 पे और करीबन 3 मिनट ठहराव के बाद 8:59 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है खाटू 9:21 पे और करीबन 3 मिनट ठहराव के बाद 9:24 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है छोटी खाटू 9:31 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 9:33 पे छोटी खाटू से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है खुनखुना 9:50 पे और करीबन 1 मिनट ठहराव के बाद 9:51 पे यहां से रवाना हो जाती है। खुनखुना स्टेशन पे इस ट्रेन का 9 मार्च 2019 से प्रायोगिक तौर पर 6 माह के लिए स्टॉपेज दिया गया है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है डीडवाना रात 9:57 पे और करीबन 3 मिनट ठहराव के बाद 10 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है लाड़नू 10:20 पे और करीबन 4 मिनट ठहराव के बाद 10:24 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सुजानगढ़ 10:25 पे 35 मिनट पे और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 10:40 पे सुजानगढ़ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है रतनगढ़ जंक्शन 11:50 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 11:52 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है चूरू जंक्शन रात 12:25 पे और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 12:35 पे चूरू से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है सादुलपुर जंक्शन रात 1:17 पे और करीबन 3 मिनट ठहराव के बाद 1:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है लोहारू जंक्शन 1:57 पे और करीबन 3 मिनट ठहराव के बाद 2 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है।
फिर ये ट्रेन पहुंचती है महेंद्रगढ़ 2:36 पे, और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 2:38 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर ये ट्रेन पहुंचती है रेवाड़ी जंक्शन रात 3:47 पे, और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 3:52 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है पटौदी रोड 4:10 पे, और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 4:12 पे पटौदी रोड से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुड़गांव 4:33 पे, और करीबन दो मिनट ठहराव के बाद 4:35 पे गुड़गांव से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है अपने सेकेंड लास्ट स्टॉपेज दिल्ली कैंट 4:51 पे, और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 4:53 पे दिल्ली कैंट से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है दिल्ली सरायरोला अपने लास्ट स्टॉपेज 5:20 पे, और यहाँ तक अपनी 619 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेती है। तो दोस्तों ये थी 22,481 जोधपुर दिल्ली सरायरोला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।